यार बॉलीवुड वालों के पास ना फ्रेश आइडियाज की तो बहुत कमी है और पैसा बहुत ज्यादा है भाई उनके पास, इसीलिए ये क्या करते हैं ना, फ्लॉप मूवीज का भी सीक्वल बनाते रहते हैं, फिर चाहे बागी 1, 2, 3 हो या फिर ये एक विलन रिटर्न्स। अब इसका ट्रेलर आया है और पता नहीं भाई क्यों आया है, लेकिन चलो भाई रिव्यू करते हैं इसका भी। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। तो यार स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है हिट या शिट। भाई एक विलन जो मूवी आई थी ना, फर्स्ट वाली जो इसकी थी, वो 8 साल पहले आई थी और उस मूवी की एक ही खास बात थी कि उसमें जो विलन बने थे वो रितेश देशमुख बने थे। तो यार शायद आपको याद भी नहीं होगा, अब पोस्टर देखोगे ना तो याद आ जाएगा। हाँ, और अगर जिसके याद नहीं आया है उसके लिए मैं बता दूं, एक गाना था गलियां तेरी गलियां, ये जो गाना था ये इसी मूवी का था, अब शायद याद आ गया होगा क्योंकि ये गाना बड़ा ही सुपरहिट था। तो भाई उसका सीक्वल बन रहा है अब। इस बार यार मूवी में दम भरने के लिए ना दो भारी भरकम एक्टर्स लिए हैं, मतलब एक तो है जॉन अब्राहम और दूसरे हैं अर्जुन कपूर। तो भाई साहब मूवी में पता नहीं अब एक्टिंग से वो दम भर पाएंगे या नहीं, वो तो मुझे डाउट है, लेकिन उनके वजन से तो भर जाएगा। वैसे यार अर्जुन कपूर को भूले तो नहीं, मलाइका अरोड़ा मतलब सलमान खान की जो भाभी थी उनके बॉयफ्रेंड, अब याद आ गया होगा। चलो यार थोड़ा ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर में यार सबसे पहले तो रितेश देशमुख की फोटो दिखाई है और ये बताया गया, ये याद दिलाया कि 8 साल पहले एक साइको किलर था और वो जैसे मार रहा था लड़कियों को, वैसे ही दोबारा एक साइको किलर पनप गया है, आ गया है मार्केट में और वो फिर से लड़कियों को मार रहा है। और इस बार जो वो लड़कियों को मार रहा है वो ऐसी लड़कियों को मार रहा है चुन चुन के जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स को धोखा दिया है। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो भी एक ऐसा ही बेचारा आशिक है जिसे छोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही थोड़ा फ्लैशबैक में फिर दिखाई है जॉन अब्राहम की स्टोरी कि उसे दिशा पटानी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने उसे छोड़ दिया है। तो दूसरी तरफ एक और स्टोरी चलती दिखा रहे हैं कि जिसमें अर्जुन कपूर के साथ है तारा सुतारिया, तो वो भी उनकी भी लव स्टोरी पहले दिखाते हैं, कुछ किसिंग सीन वगैरह या कुछ बोल्ड सीन वगैरह दिखाए गए हैं और उसके बाद दिखाया कि भाई उसे भी छोड़ दिया गया है। तो अब दोनों आपस में भिड़ जाते हैं जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर, और भाई साहब एक्शन तो दिखाए हैं और बहुत सारे बोल्ड सीन भी दिखाए हैं। खैर म्यूजिक की अगर बात करूं तो म्यूजिक इस मूवी का जरूर अच्छा होगा। ट्रेलर के यार लास्ट में मुझे थोड़ा सा मजा आया क्योंकि इसमें दिखाया है कि शायद जो विलन है मेन वो दोनों हीरोइंस हैं, जो तारा सुतारिया और दिशा पटानी है। तो ये देखने में यार मजा आने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यार इसकी स्टोरी तो बढ़िया होगी। तो भाई साहब स्टोरी भी ठीक ठाक है, म्यूजिक भी अच्छा है और यार इसमें ना जो बोल्ड सीन भी काफी हैं। तो मुझे लग रहा है ये तीन तो तड़के इन्होंने दिए हैं, लेकिन मुझे जो चिंता हो रही है वो हो रही है मेन एक्टिंग। एक्टिंग करेगा कौन भाई, क्योंकि यार ये चारों एक्टर्स है ना, इनका तो यार एक्टिंग में हाथ बहुत ज्यादा तंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा मूवी चलेगी कैसे। तो भाई साहब इसीलिए मैंने कहा था कि शायद बॉलीवुड वालों के पास पैसा बहुत है। तो खैर यार स्टोरी तो ठीक ठाक है और ट्रेलर भी सही बताऊं तो ठीक ठाक ही लग रहा है, तो मतलब थोड़ी सी उम्मीद तो जग रही है। अगर थोड़ी भी एक्टिंग इन्होंने ठीक ठाक की होगी ना तो मूवी चल सकती है। खैर यार ये मूवी रिलीज होगी 29 जुलाई को, लेकिन इसका जो सामना होना है ना यार, उसके सामने की जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, वो है विक्रांत रोना। हालांकि हिंदी ऑडियंस को शायद उतनी चले या ना चले, लेकिन ये जो मूवी है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका रिव्यू मैंने किया था, इसका रिव्यू देख लेना पहले जाके। भाई साहब इतने खतरनाक इसके VFX और एनिमेशन है ना, मतलब इतनी जबरदस्त मूवी होने वाली है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि ये इंडियन इतिहास की बड़ी मूवी इसमें आएगी। तो यार जब ये मूवी रिलीज होगी तो इसका रिव्यू भी तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगा। खैर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो और यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।